भाजपा की केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में लाए महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण के लिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार बिहार और देश में आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करना चाहिए या नहीं, इस सवाल पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपनी राय साफ की है। दरअसल प्रशांत किशोर ने मंगलवार को कहा कि जो आंदोलन करना चाह रहे हैं उनको करने दीजिए। मेरा मानना है कि महिला आरक्षण से जो लागू हुआ है वो ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आंदोलन करने वाले जो बेवकूफ लोग हैं उनको ना महिला आरक्षण से मतलब है ना महिलाओं की स्थिति से, उनको मतलब है कि इससे राजनीति होती रहे और कुछ ना कुछ करके इसमें अपनी रोटी व सेकते रहे। जो लोग आज कह रहे हैं कि महिला आरक्षण में ओबीसी के लिए आरक्षण अलग से होने चाहिए, ठीक है पहले आरक्षण आने तो दीजिए, फिर अलग से ओबीसी के लिए भी आरक्षण लागू कर दिया जाएगा। आरजेडी जेडीयू से जरा पूछिए जाकर कि अपनी अपनी पार्टी में कितने ओबीसी महिलाओं को वह टिकट दिया है। बता दें जो मुसलमान समाज के लोग हैं वो भाजपा के डर से लालटेन को बोलते रहे। इनको ना जाति से मतलब है ना काम से मतलब है, इनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज से मतलब है जिसको भाजपा हरानी चाहिए, ऐसा प्रशांत किशोर ने कहा। दरअसल मुजफ्फरपुर के मरवान प्रखंड के वसंतपुर गांव में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि अगर सिर्फ जाति पर ही पूरे बिहार को वोट पड़ता है तो मोदी को बिहार में वोट कैसे मिलता है। मोदी की जाति का तो बिहार में कोई नहीं रहता है। जो मुसलमान समाज के लोग हैं वो जाति पर तो वोट नहीं दे रहे हैं, वो लालटेन आरजेडी को क्यों वोट दे रहे हैं। बिहार में वोट चार वजह से पड़ता है, पहला जाति, दूसरा धर्म, तीसरा लालू के डर से लोग भाजपा को वोट देते हैं और चौथा जो मुसलमान समाज में है वो भाजपा के डर से लोग लालटेन को वोट देते हैं। इनको ना जाति से मतलब है ना काम से मतलब है, इनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज से मतलब है, वो भाजपा उनके नजर में हारनी चाहिए। भाजपा के विधायक ने अगर काम नहीं भी किया है तो बात नहीं सुनी है तो भी आप लालटेन के डर से भाजपा को वोट देते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में क्या कुछ कह रहे प्रशांत किशोर। भैया जो आंदोलन, देखिए जो आंदोलन करना चाह रहे हैं उनको करने, मेरा ओपिनियन बिल्कुल जो महिला आरक्षण लागू हुआ है वो ठीक है, होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आंदोलन करने वाले जो बेवकूफ लोग हैं उनको ना महिला आरक्षण से मतलब है ना महिलाओं की स्थिति से मतलब है, उनको मतलब है कि इसमें राजनीति होता रहे, कुछ ना कुछ करके इसी में अपना रोटी सेकते रहे। भाई जो लोग आज कह रहे हैं कि इसमें महिला में ओबीसी का अलग से होना चाहिए, ठीक है पहले आरक्षण हो आने दीजिए फिर लागू कर दीजिएगा, उनसे जरा पूछिए तो कि आप अपने पार्टी में कितने महिला ओबीसी को आपने टिकट दिया है, जरा पूछिए। तो अगर सिर्फ जाति पर ही पूरे बिहार में वोट पड़ता तो मोदी जी को बिहार में वोट कैसे मिलता, मोदी जी के जाति का तो बिहार में कोई नहीं रहता है। जो मुसलमान समाज के लोग हैं ये तो जाति पर नहीं वोट दे रहे हैं, ये लालटेन को क्यों वोट दे रहे हैं। बिहार में वोट चार वजह से पड़ता है, पहला जाति है, दूसरा धर्म है हिंदू मुसलमान है, तीसरा लालू जी के डर से लोग भाजपा को वोट देते हैं, और चौथा जो मुसलमान समाज है ये लोग भाजपा के डर से लालटेन को वोट देते हैं। इनको ना जाति से मतलब है ना इनको काम से मतलब है, इनको इससे मतलब है कि भाजपा हारनी चाहिए। वैसे ही समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कहता है भैया कुछ हो जाए लालू नहीं जीतना चाहिए इसलिए जाके आप भाजपा को वोट देते हैं। तो भाजपा का अगर विधायक काम नहीं भी किया है, आपकी बात नहीं भी सुनी है, तो भी आप लालटेन के डर से उसको वोट देते हैं। ऐसी खबरें के साथ बने रहे हमारे चैनल रबसी लाइव न्यूज के साथ। धन्यवाद। We'll be right back.